टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ज्ञान व्यापी को लेकर के राजनीति काफी गरमाई हुई है। लगातार बयानबाजियों का दौर तेज है और अब अखिलेश यादव का एक बयान काफी सुर्खियों में है। दरअसल अखिलेश यादव अयोध्या गए हुए थे। अयोध्या में उन्होंने ज्ञान व्यापी मामले पर बोलते हुए काफी कुछ बोल दिया और उसके बाद उस पर एक बड़ी राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का बयान आया है कि ज्ञान व्यापी के मुद्दे को लेकर के सरकार उत्तर प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाओं वाले मुद्दे हैं उनको दबाना चाहती है, जनता के मुद्दों को दबाना चाहती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ज्ञान व्यापी, मथुरा, इन मुद्दों को उठा करके बीजेपी दो वर्गों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कट्टरता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और यह भी कहा है अखिलेश यादव ने कि पीपल के पेड़ पर झंडा लगा दिया जाए, नीचे पत्थर रख दिया जाए तो भारत में वो मंदिर बन जाता है। आखिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में इस तरह का बयान अखिलेश यादव का कितना सही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद जो लगातार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, शफीकुर रहमान बर्क, उनका एक और बड़ा बयान आया है और वो बयान है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के। शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जैसे मुद्दे पर चर्चा क्यों की जा रही है, जिसका इतिहास इतना पुराना है उस पर विचार विमर्श, चर्चा, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों देश प्रदेश में इन मुद्दों को हवा दी जा रही है। और बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि अगर बाबरी की तरह ज्ञान व्यापी में भी कुछ होता है तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा वो अभी मैं आपको बयान सुनाऊंगा, उस बयान में सुनिएगा। लेकिन जिस तरह से ये मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, कोर्ट में जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, सबमिट हो गई है और उस जांच रिपोर्ट में कई सारे खुलासे निकले हैं कि उस ज्ञान व्यापी परिसर में या उन दीवारों पर स्वास्तिक के निशान है, कमल के निशान है, भगवानों की आकृतियां हैं, शिवलिंग का जिक्र पहले ही हो चुका है। ये जो रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई है इस पर बहुत जल्द फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी निगरानी बनाई गई है और ये भी कहा गया है कि कल एक अहम सुनवाई की जाएगी और निचली अदालतें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फैसला ना दें। जितने भी साक्ष्य दिए गए हैं उन साक्ष्यों को संकलित करके बटोर कर रखा जाए, उनको देखा जाए, समझा जाए और उसके बाद हम किसी फैसले पर आएंगे। तो क्यों इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति इस कदर चल रही है कि अपने को अव्वल दिखाने के लिए बयानबाजियों का दौर जो वो गर्म है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बयान सुनिए उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं। सियाराम, समस्त देशवासियों को सियाराम मैं मान करके प्रणाम करते हुए और जय सियाराम का घोष करते हुए मैं आपको बता दूं कि अत्यंत दुखद घटना है कि हमारे हिंदुत्व के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये राजनेता बड़बोले होते हैं। मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अगर मुसलमानों के साथ इस तरह की पॉलिसी बरती गई और ये जगह जगह जो इस किस्म की नफरत फैलाई जा रही है तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, हमें ही नहीं। अरे भाई, मुल्क की तरक्की के लिए काम कीजिए, ये तो नफरत फैला रहे हैं। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल आया। सारे मुसलमानों से भी कहूंगा कि मुसलमान इस पर सड़जोड़ के बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचे। शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता। कोर्ट का मामला है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो यह है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है, हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए,
बीजेपी जानबूझ करके ज्ञान बापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं, आपने हमने सबने पढ़ा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम सपा नेता अखिलेश यादव के मंदिरों को दिए गए बयान की घोर निंदा एवं विरोध करते हैं। आज हम सभी भारतीयों को ये जान लेना आवश्यक होगा कि हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति सदैव से ही सदैव विज्ञान और पराविज्ञान के माध्यम से आध्यात्म विज्ञान की ओर हमें लेकर के जाती है। जय सियाराम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव जी ने सत्य सनातन धर्म को अपमानित करने वाला बयान दिया जो कि सर्वथा उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी पत्थर पर लाल चंदन लगा दिया, टीका लगा दिया और बाहर लाल झंडा लगा दिया और वह मंदिर बन गया। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नईम सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हैं, स्वर्ण महासंघ से गजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास मिश्रा सनातन मिश्रा से जुड़े सनातन महासभा से जुड़े हुए हैं और शेख ताहिर सिद्दीकी हमारे साथ नागरिक एकता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रजी हसन आपके पास आना चाहूँगा। आपके नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया, इस पर राजनीति इतनी गर्म हो गई, और आखिर इस बयान को हम किस नज़र से समझें, क्या कहना चाह रहे थे वो, क्या कह गए हैं? सभी श्रोताओं को और इस चैनल पर बैठे हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम नमन। हमारे अगर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी का बयान आप इस तरह से पूरे चैनलों पर और आज पहली बार पूरे भारतवर्ष की मीडिया में आज इतना हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को आप चला रहे हैं। हम चला रहे हैं, उन्होंने चलने का काम किया है, आप लोग चला रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये भी चाहते हैं कि इसी तरह जैसे कि आप इस बयान को भारतीय जनता पार्टी या और भी लोग इसको तोड़ मरोड़ करके और इसको इश्यू बनाने का काम जो कर रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि जाएं जमीन पर काम करें और जो पूरे भारतवर्ष में चाहे वो सनातन धर्म का व्यक्ति हो, चाहे इस्लाम धर्म का व्यक्ति हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को एक साथ लेकर चले और उस पर काम करें। तो हम ये क्या समझे जो इन्होंने कहा है कि पीपल के पेड़ के नीचे झंडा लगा दीजिए, पत्थर रख दीजिए, वहां मंदिर बन जाएगा, क्या मतलब समझा जाए इस बयान? देखिए, ऐसी आस्था का विषय है। हाँ। आप किसी में आस्था ढूंढते हैं। हाँ। आपको नहीं लगता कि इस तरह से किसी की आस्था का मजाक बनाया गया? नहीं, ये मजाक का बात नहीं, वो भी तो सनातन धर्म से आते हैं। अच्छा। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी सनातन धर्म से आते हैं। अगर उनकी आस्था अगर एक पत्थर में है, पीपल में है, तो उसमें क्या बुरी बात कही? अगर वो पीपल को पेड़ को पूजते हैं और सभी सनातन धर्म के लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें अपना आस्था का विषय ढूंढते हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी बात कही है तो इसमें क्या गलत कहा? मैं भी जाता हूँ पीपल के पास, अगर मैं जाता हूँ तो देखता हूँ अगर धागा उसमें लिपटा हुआ होता है तो बहुत से लोग उसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। क्या पीपल पर देवता नहीं बैठते हैं? और देवताओं की तो पूजा होती है या इंसानों की पूजा? आपको लगता है कि इस समय जब ज्ञान व्यापी का मामला चल रहा है उस समय ये बयान देना सही है या इंसानों की पूजा होती है? मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए, ज्ञान व्यापी का मामला इतना चल रहा है और उस दौरान ये बयान देना कितना सही है? देखिए, ज्ञान व्यापी का जो मामला चल रहा है वो कोर्ट में है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आपने मुद्दा उठाया, देखिए पहले मुद्दे से बटके ना एक बार बात कर लेते हैं। नहीं, मुद्दा तो पूरा है ना, उन्होंने ज्ञान व्यापी को जोड़कर ये बयान दिया है ना, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने आस्था के विषय पे कहा कि पत्थर रख दिए जाते हैं बरगद के नीचे या पीपल के नीचे, तो उसको आस्था, वो आस्था का विषय है। आदरणीय अखिलेश यादव भी जब निकलते होंगे तो पीपल पड़ता होगा, तीसरी झुकाकर प्रणाम करते होंगे, उन्होंने कहां से कोई गलत बात कही? हमारे आपके सांसद कह रहे हैं कि इतने साल पुराना मस्जिद है वहां पर शिवलिंग कैसे निकल सकता है? जब तक कोर्ट में मामला है तब तक कोई किसी के बयान की, ठीक है, मैं आता हूं। मैं बस ये इतना कहना चाहता हूँ, पीपल के पेड़ पर देवता रहते हैं, उन्हें पूछते हैं हम लोग, उन्हें
मानते हैं, उन पर शीश झुकाते हैं, उन पर जल चढ़ाते। ठीक है, ठीक। अगर अखिलेश यादव जी ने ऐसा कहा, ये तो सभी लोग करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। पीपल पर देवता हमारे रहते हैं, इंसान नहीं रहते। थैंक यू, मैं आता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से। विवेक जी, आप अखिलेश यादव के इस बयान को किस नजर से देखते हैं? रजी हसन ने कहा कि बहुत कुछ तो सही है, जब हम रास्ते से निकलते हैं पीपल का पेड़ दिखता है तो हम नमन तो करते ही करते हैं। अखिलेश जी ने बोल दिया तो क्या गलत है? देखिए नितिन जी, पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास होता है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जिस हल्के तरीके से अखिलेश जी का बयान आया है कि पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़ा बांध दीजिए, दो ईटा रख, पत्थर रख दीजिए, बन गया मंदिर, ये बहुत ही हास्यास्पद और अपमानित करने वाला बयान है। सनातन संस्कृत के प्रति जो उनका भाव है वो इस बयान में दिख रहा है। और उनके जो सांसद का बयान है इससे जोड़ के अगर देखा जाए तो वो बहुत ही आक्रोशित करने वाला बयान है। विषय ज्ञान व्यापी के परिप्रेक्ष्य में है। सब लोग जानते हैं कि वहाँ जहाँ संप्रदाय विशेष के लोग वजू खाना बता रहे थे, वहाँ कुएं के अंदर शिवलिंग दिखा है जी। सर्वे रिपोर्ट शामिल हो, दाखिल होगी, लेकिन जो से जो छन छन के बाद जो छन छन रजी हसन प्लीज एक एक करके ना ना ऐसे नहीं, इंटरप्ट ना कीजिए, फर्स्ट राउंड में इंटरप्ट ना कीजिए रजी भाई, नहीं नहीं फर्स्ट राउंड में इंटरप्ट ना कीजिए, फर्स्ट राउंड में पक्ष विपक्ष रजी भाई दोनों वहाँ थे, मैं सुन और पक्ष के लोगों ने पक्ष विपक्ष का साथ आप नहीं है, फर्स्ट राउंड में इंटरप्ट ना कीजिए प्लीज, पक्ष विपक्ष दोनों वहाँ थे, आपकी बात मान लेते, सर्वे टीम थी और पक्ष के लोगों ने जो देखा उस पर दौड़ करके वो गए अदालत, गए अदालत में दरखास्त दिया, अदालत ने विषय की गंभीरता को समझते हुए उस इलाके को सील किया। प्रथम दृष्टया इसी से प्रमाणित होता है कि अदालत वादी पक्ष के विषय से संतुष्ट है, तभी उसने सील करने का आदेश दिया ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष वहाँ पे सर्वे का विरोध कर रहा था उससे तमाम दावे हिंदू पक्ष के खुद ब खुद पुख्ता हो जाते हैं कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे थे तो आप सर्वे टीम को वहां जाने से रोक क्यों रहे थे, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये चीजें साफ स्पष्ट हो रही है। और जो बार बार ये लोग कहते हैं कि 1991 का जो वर्सिप एक्ट है, प्लेसेस वर्सिप एक्ट है, उसका उल्लंघन हो रहा है, ये सारी चीजों का आड़ लेना बंद करें। सत्य सत्य होता है और सत्य को प्रतिस्थापित करना इस समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर सत्य है तो सत्य प्रकट हुआ है और सत्य का प्रतिस्थापित होना आवश्यक है। रजी रजी हसन प्लीज प्लीज पहले पहले सबको सुन लेते हैं, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, सच बोलते ही ठीक है रजी भाई, हो गया, आता हूँ मैं आपके पास। शेख ताहिर सिद्दीकी नागरिकता पार्टी से। ताहिर भाई, ये एक बयान आया है शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद हैं सपा के, उन्होंने कहा है कि अगर बाबरी वाला कांड फिर से दोहराया जाएगा तो कुर्बानियां हो जाएंगी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? क्या ऐसा सच में चल रहा है कुछ? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया है तो यहाँ कहीं पर उन्होंने कुर्बानी जैसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों होशियार हो जाओ, जिस तरीके से आपकी इबादत गाहों को जो है टारगेट किया जा रहा है तो इसके लिए आप भी उन इबादत गाहों के बचाव के लिए कुछ ऐसा जो है प्रोग्राम तैयार करो जिससे आप कोर्ट में। कौन सा प्रोग्राम तैयार करो? आप कुर्बानी पे तो कह रहे हैं। प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम का मतलब ये है कि देश के अंदर न्यायपालिका है, देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर एजिटेशन है, प्रदर्शन है। अब जरूरी नहीं है कि कुर्बानी का मतलब कुर्बानी टाइप्स ऑफ कुर्बानियां हैं। अच्छा। कुर्बानी जो है हर तरीके की दी जाती है। कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी तो इस बात की भी है कि अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए अपनी जाने तक की दे दो, क्योंकि अल्लाह के घर को बचाना भी जरूरी है। रही बात जो उन्होंने 1990 जो ये बाबरी का मामला बताया, देखिए बाबरी का मामला ये है कि बाबरी में सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो है आदेश मुस्लिम पक्ष के पास दिए, कहा कि जो है वहां मस्जिद थी उसको तोड़ा गया, प्लीज वन बाय। देखिए अभी आप मैं आऊंगा, अभी बीच में इंटरप्ट ना करिए, एक बात। हाँ ठीक है ठीक है, ताहिर भाई बोल लीजिए आप। देखिए उस बाबरी के मामले में जो चीजें आई वो यही आई कि वहां पर जो है नमाज होती थी और मस्जिद तोड़ करके जो है बाबरी को शहीद किया गया, वो ढांचा ढहाया गया, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मानी। लेकिन बहुसंख्यकों की
आस्था को देखते हुए, उनकी संख्या बल को देखते हुए एक फैसला आया। तो एक बात आप ये बताइए कि मुसलमान के आधार पे आया है अपनी चीजों को, अपनी नहीं मैं आऊंगा, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, सारे सबूतों गवाहों के बाद फैसला आया है, मैं आप नोट कर लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। आस्था का खिलवाड़ तो आप भी कर, प्लीज आए रजी भाई, प्लीज आप तो चुप रहिए भाई, शांत रहिए, प्लीज रजी भाई प्लीज, ठीक है हाँ। अरे रजी भाई प्लीज ऐसे नहीं डिबेट करिए प्लीज, अरे मुद्दा बहुत अच्छा है भाई, चर्चा सही से करने दीजिए, आप लोग क्यों इंटरप्ट कर रहे हो एक दूसरे को, प्लीज रजी हसन प्लीज, रजी भाई थोड़ा सा बात क्लियर हो जाने दीजिए। और रही बात इस बात की कि हमें लगातार इस बात को बार बार सबूत देना कि हम ही अपनी इबादत गाहों से समझौता क्यों करें, आखिर जो है समझौता थोड़ी ना कोई करने को कह रहा है आपसे भाई, उसका उसकी जांच हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, रिपोर्ट आई है, उसमें कोई समझौता थोड़ी ना करने को कह रहा है, ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है, अभी शुरुआत है। अच्छा। इसके बाद एक साजिश रची जाएगी, जिस तरीके से बाबरी में रातों रात जो है चोरी चोरी जो है वहां पर मूर्ति स्थापित की गई, उसके बाद एक प्रोपगंडा तैयार करके वहां पर जो है ढांचा ढहा दिया गया, ये सब चीजें जो है ये इतिहास देख चुका है, ठीक अब जो है कोई दोबारा इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, ठीक इसी बात के लिए उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने कोई लड़ाई झगड़े या तांडव की बात नहीं की, ठीक है मैं आता हूँ। गजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ स्वर्ण महासंघ से, गजेंद्र जी ताहिर साहब का बयान आपने सुन लिया, क्या कहना है आपका, और शफीकुर रहमान और अखिलेश यादव के बयान पे क्या कहना है? देखिए दो चीजें हैं, अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, भगवान ने जो अभी जितने लोग यहाँ पर बात होती है कि तमाम देवी देवता इस भारत की धरती पर आए या विश्व में कहीं भी आए, किसी ने अपने को ब्रह्म नहीं कहा, उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मुझको देख, मैं ही हूं ब्रह्म हूं मैं, चराचर जगत मेरे में देख, इस विश्व में कण कण में जो भी देखना चाहता है मेरे अंदर देख। और उस भगवान ने कहा गीता में कि हे अर्जुन मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो अखिलेश यादव यहां तक सही है कि भगवान ने कहा कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, माने अगर तुमको कहीं पूजने की कोई जगह ना मिले और अगर तुम पीपल के वृक्ष को पूज देते हो, वहां जाकर के माथा अपना सिर वहां पर जाकर के झुका देते हो, तो तुम्हें तुम हमारी पूजा कर लेते हो। भगवान ने स्पष्ट रूप से गीता में तमाम चीजों को उल्लेखित किया कि मैं ये हूं। तो यहां तक अखिलेश जी के बयान में कहीं कोई लिपापोती नहीं है, लेकिन जो ये कहा उन्होंने कि कहीं भी एक पत्थर रख दिया जाए, हमारे धर्म में कभी भी अगर कोई मूर्ति पत्थर की रखी जाती है तो एक पूरा तरीका होता है, प्रोसेस होता है, आवाहन किया जाता है मंत्रों के द्वारा, और भगवान वहां स्थापित होते हैं, जीव होते हैं, ज्ञान बात वहां पर प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की, और वह जीव के रूप में आ जाते हैं, वो शक्तियां वहां विराजमान हो जाती है, ये हिंदू धर्म में माना जाता है। और ज्ञानवापी मंदिर पर तमाम जो देखिए ये नेताओं के बयान जितने आ रहे हैं भड़काऊ बयान, इन भड़काऊ बयान से समाज को बचना चाहिए। मैं अपने सवर्ण महासंघ फाउंडेशन की तरफ से इस बात को कहना चाहता हूं, हमारी चिंता ये नहीं है कि एक नेता क्या कह रहा है, हमारी चिंता ये है कि अगर कल जांच हो जाती है और स्पष्ट हो जाता है कि जिसको ये लोग बार बार कह रहे हैं फाउंटेन है, उस कालखंड में फाउंटेन जैसी चीज कोई होती नहीं थी, लेकिन जो ये कह रहे हैं अगर यह साबित हो गया कि वो शिवलिंग है, तो अभी तक आपने जो भी वहां पर अल्लाह को इबादत किया है, हिंदू ये समझ जाएगा कि आपने भगवान शिव का अपमान किया है, और उस महादेव का अपमान आपने किया जो देवाधिदेव हैं, उत्तरदेवों में महादेव कहे जाते हैं, और महादेव का अपमान अगर हिंदू ने अपने दिमाग में बैठा लिया तो इस देश में एक दो फाक खड़ी हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि हिंदू मुसलमान के साथ नहीं जाएगा और मुसलमान हिंदू के साथ नहीं जाएगा। ठीक। उसमें पिसेगा इस देश का गरीब जनमानस,
जिससे पूछा जाएगा सामान लेते हुए भी कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो। ठीक है मैं आता हूँ आपके पास, यह चिंता का विषय। ठीक है, नईम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। नईम भाई, बयान अखिलेश यादव का आया है, शफीकुर रहमान बर्क का आया है, ताहिर साहब भी कुछ कह रहे थे अभी कि मुहिम एक चलने वाली है, क्या कहना है आपका? और अखिलेश जी का भी बयान आया है और हमारे भाई ने जो कहा है, ताहिर भाई ने, वो बिल्कुल सच। अच्छा, देखिए सबसे पहली बात तो ये, अखिलेश जी का बयान भी सच है। देखिए मैं उनकी बात को जो ये इसलिए ले रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा देश जो है संविधान को सर्वोपरि मानता है और हमको सर्वोपरि मानना चाहिए। और जब उसमें कोई हम लोग अपनी तरफ से, आपको मालूम होगा इससे पहले भी बाबरी मस्जिद की भी जो भी रिपोर्ट आई थी कहीं से लीकेज नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से ज्ञानयापी मस्जिद की रिपोर्ट आई है और आने के बाद भी ये लोग पहले से सब अनुमान लगा रहे हैं कि वहां मिल गए, बाबा मिल गए, तो मैं आप लोगों को, अरे सर्वे हुआ है, सर्वे में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें चीजें लिखी हैं भाई। नितिन साहब सुनिए, किसी भी सर्वे रिपोर्ट का जो होता है जब कोर्ट के अंदर पहुंचता है मजिस्ट्रेट एक लिफाफे में बंद होके और उसके उस पर रखी जाती है, डायस पर रखी जाती है, और ऐसे कोई रिपोर्ट कोई खुली नहीं रखी जाती है। नहीं, खुली नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो चीजें जानकारी के अनुसार मिली है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो नितिन साहब ये लीकेज कैसे हो गई कि साहब वहाँ पे इतना बड़ा मतलब वो निकला, बाबा जी का निकला और साहब ने कह दिया कि 12 फुट 50 सेंटीमीटर का निकल गया, तो सारे ये रूमर जो है ये पहले से ही उड़ने लगे, तो हमें इससे बिल्कुल हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई कुछ तो गलतियां हैं। अच्छा, जिसके कारण जो है मुस्लिम जो है कम्युनिटी जो है उसके ऊपर उठा रही है। आपके अनुसार वहाँ फाउंटेन है? जी, मैं ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1707 में उनके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की उनकी डेथ होती है और 1828 में सीमेंट का जो है आविष्कार होता है। आप ये बताइए ये सीमेंट कहाँ से आ गई, और ये कहते हैं कि उसका जो है कंक्रीट का उसका जो है ये बना हुआ है, मतलब तो ये कहाँ आ गई, फाउंटेन कैसे बनाए थे, कब बना था? जी 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 जी, ये लोग खुद बताएंगे कि फाउंटेन कब बना था। नहीं, ये भी सुनने में आ रहा है कि कोर्ट कमिश्नर ने ये कहा था कि फाउंटेन अगर बनाया हो तो चला करके दिखाओ, तो कोई बता रहा है कि ये सालों से बंद पड़ा है, चलता नहीं है। भाई देखिए एक आप बात बताइए हमको, जिस तरीके से वो दिखाया, उसको राउंड दिखाया और कहा कि इसमें ये था, और आपको भी मालूम है, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जामा मस्जिद चले जाइए और पूरा तालाब है पानी का और बीच में देखिए फाउंटेन होगा। बड़ी मस्जिदों में हमारे जो भी जामा मस्जिदें होती हैं, ऐतिहासिक होती हैं, वो उसमें बीच में फाउंटेन होता है। अच्छा। और वो पानी को सबको आप तो जानते हैं और वो पानी को लोग फेंकता है, लेकिन वहाँ का कम लोगों को जाने की वजह से उसका ज्यादा पानी की खपत कम थी, इसलिए तालाब में वो उस तरीके से जानते हैं कि उसकी सफाई भी होती तो थोड़ा सा बंद भी हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है, वो फाउंटेन था। ठीक है, मेरा मानना है। ठीक है, मैं आता हूँ। विकास मिश्रा हमारे साथ सनातन महासभा से। विकास भाई, बयान भी आपने सुन लिया, चर्चा आप जान ही रहे किस विषय पर चल रही है। नईम भाई कह रहे हैं कि वहाँ फाउंटेन ही था। जी देखिए, जो भी सर्वे से रिपोर्ट आई है, जो भी रुझान आए हैं, हम उनकी बात ना भी करें तो जिस तरीके से तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट इन लोगों का जाना, 1991 का एक्ट के हवाला देना, ये साफ जाहिर करता है कि वहां पे कोई फाउंटेन वगैरह नहीं था। ये खुद भी जानते थे कि वहां शिवलिंग है, ये बता रहे सीमेंट नहीं आया था, कंक्रीट नहीं आया था, कैसे बना लिए? साहब हमारा इतिहास 400 साल पुराना तो है नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे हम लोग, भाई जिसकी बात कर रहे हैं वो भी बहुत पहले का मंदिर था जिसको तोड़ करके बनाया गया। इसी तरीके के तमाम मंदिर थे, तमाम जगह थी हमारी धार्मिक स्थल थे, सब जगह शिवलिंग विस्थापित है, तो क्या वो सब जैसे ये कह रहे हैं सीमेंट बाद में आई, तो क्या वो पहले से वो कैसे बना लिए गए? भैया वो पत्थर से बनाए जाते थे, पत्थर को तराश करके बनाए जाते थे, तो वो तो उस समय के उस्तानीन के हैं। और हमारा इतिहास अगर आप देखेंगे, हमारी संस्कृति इतनी अच्छे विज्ञान की थी कि वो कर सकती थी, तो उसके लेकिन आज जो कह रहा है कि फाउंटेन था, तो मेरे समझ से उस समय तो ऐसा कोई हमें उदाहरण तो नहीं मिलता कि जहां पे आपका फाउंटेन रहा हो। ठीक है, दूसरी बात, अभी सपा के प्रवक्ता ने जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का बयान बड़े अच्छे से उन्होंने उसको बनाने की कोशिश की, बड़ा अच्छा सर, ये आपकी चीज बड़ी अच्छी लगी हमें, लेकिन बयान जो था उनका, बयान कोई आस्था के लिए उन्होंने नहीं कहा था, आस्था के रूप में नहीं कहा था। आपको कैसे पता? अरे भाई आ रहा हूँ, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा, सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा फिर बोलिए।
दीजिएगा, मैंने आपको सुना है रजनी साहब, पहले सुनिएगा ठीक है। तो आपने आपने बड़ा अपना कार्य अच्छा किया, आपने एज ए प्रवक्ता बहुत बढ़िया कार्य किया, मैं उसके लिए सराहना करता हूँ, लेकिन वो बड़ा व्यंग्यात्मक था। और ये कोई नई बात नहीं है कि सपा की तरफ से सनातन धर्म को ऐसे आहत किया जाता है। मुझे ज्ञात है अयोध्या कांड जब चल रहा था, मुलायम सिंह यादव जी की जो सरकार थी उस समय कार सेवकों पे गोली भी चलाई गई थी, है ना। तो आप तो सनातन धर्म में हमेशा इसी तरीके से करते चले हैं, तो उस बयान को बनाने की प्रयास ना करें, क्योंकि हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक ठीक है विवेक जी, आप बताइए क्या कह रहे थे आप। जो अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि वो फाउंटेन है और तो कुछ बता रहे थे सीमेंट नहीं आया था, कंक्रीट नहीं आया था, ये नहीं आया था, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या मस्जिद के गुम्बद में सीमेंट का प्रयोग हुआ है? मस्जिद के गुम्बद में तो सीमेंट का प्रयोग कहीं नहीं है। तो पहले मस्जिद बनी और केवल शिवलिंग के ऊपर उतनी दूर ही सीमेंट रख करके जो साफ दिख रहा है कि ये सीमेंट प्रयोग करके इसको फाउंटेन का रूप देने की कोशिश की गई है, वो अलग से दिख रहा है। पत्थर के ऊपर सिंपल सीमेंट आप जोड़ नहीं पाएंगे, शिवलिंग शिवलिंग है। और जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट बाहर आ गई, रिपोर्ट लीक हो गई, ना रिपोर्ट लीक हुई ना रिपोर्ट बाहर आई। जो हिंदू पक्ष वहाँ सर्वे के समय उपस्थित थे, जिन्होंने बाबा के उस शिवलिंग को देखा, वो दौड़ करके अदालत गए, उनको जाना भी चाहिए, उनका दायित्व है, और गए अदालत ने विषय की गंभीरता को समझते हुए वहाँ पे उस इलाके को सील किया। और अदालत अगर सील ना करती तो वहाँ करेगी क्या? जिस तरह से आपने शिवलिंग के साथ व्यवहार किया है वो पूरे सनातन संस्कृति के लिए अपमान जनित करने वाला और आक्रोशित करने वाला विषय है। ये तो बहुसंख्यक समाज की उदारवादता है कि जो अभी तक इस विषय पे कोई उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही, सब लोग अदालत का मुंह देख रहे हैं। आप शिवलिंग के ऊपर वजू कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब आक्रोशित और अपमानित करने वाला विषय है। इसका अंदाजा मुस्लिम समाज को नहीं है, ये काशी विश्वनाथ का ये विषय बहुत दूर चला जाएगा। तो ये विषय इसको बहुत प्यार से बहुत ही तरीके से अदालत की दहलीज पे ही निपटाने की आवश्यकता है, और बहुसंख्यक समाज भारतीय संविधान के तहत अदालत की दहलीज पे ही इसका निपटारा चाहता है। शेख ताहिर क्यों कह रहे हैं कि कोई प्लान बनाया जाए, कोई कार्यक्रम बनाया जाएगा? देखिए ये लोग केवल एक विषय को हवा दे करके अपनी रोटी सेक रहे हैं, इन्हें खुद मालूम है कि वो झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आप सत्य पे हैं, कार्बन डेटिंग हो जाने दीजिए, शिवलिंग तो कार्बन डेटिंग में अपनी आयु बता देगी, शिवलिंग छोड़िए सामने जो नंदी बैठे हैं वो कार्बन डेटिंग में उनकी आयु पर तो प्रकट हो जाएगी। और जो बार बार 1991 के आप वर्सिप एक्ट का हवाला देते हैं उसमें भी 100 साल से ऊपर के विषय को अपवाद माना गया है। तो जब उसकी कार्बन डेटिंग 100-200 साल पुरानी प्रकट हो रही है तो फिर कहाँ आई? और जो बार बार राम जन्मभूमि का विषय लोग उठा रहे हैं, बाबरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बाबरी शब्द को इनको प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आ गया हो, एएसआई की रिपोर्ट के बाद आया, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि वो जो ढांचा था वो हिंदू मंदिर के भग्नावशेषों के ऊपर निर्मित था, हिंदू मंदिरों के अवशेष वहाँ मिले हैं, एएसआई की रिपोर्ट में खुद करके आया, रखे गए हैं वहाँ पे संग्रहालय में। उसकी रिपोर्ट के बाद खूब ठोक बजा करके पुराणों से तमाम सबूत लेकर के तब फैसला आया है। इसमें भी ज्ञान व्यापी शब्द का विषय पुराणों में हमारे प्रकट है, उससे पुराणों से पुराना कोई ग्रंथ धरती पर नहीं है। पुराणों से सनातन संस्कृत के वेद पुराण से पुराना धर्म ग्रंथ कोई धरती पर है ही नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं पुराणों की युक्तियों पर ध्यान देकर के राम जन्मभूमि का फैसला किया। ज्ञान व्यापी का भी उल्लेख पुराणों में है, और ज्ञान व्यापी आप इस तरह रट रहे हैं, आप बता दीजिए कि ज्ञान व्यापी का मुस्लिम समाज से क्या रिश्ता है? ज्ञान व्यापी तो ना तो मुस्लिम सभ्यता का शब्द है, ना अरबी सभ्यता का शब्द है, ये तो शुद्ध शुद्ध संस्कृत का शब्द है, आपका इससे रिश्ता क्या है? ये झूठ की खेती बहुत देर तक नहीं चलने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के सारे विषय अपने पास बुलाया है, ईश्वर ने चाहा भारतीय संविधान के दायरे में इसका फैसला हो जाएगा। बहुसंख्यक समाज अदालत की तरफ बहुत ही आशा और उम्मीद से देख रहा है। ठीक है, नाइन सिद्दीकी जवाब दीजिए। आ रहा हूँ रजी भाई आपके पास। बोलिए। वैसे जो ये कहा कि सनातन धर्म है और हिंदू धर्म है, पहले तो ये आप, मैं नितिन जी पूछना चाहता हूँ, ये आईडी अपनी क्लियर कर दीजिए कि मतलब अभी भी वोटर लिस्ट पे ये लोग हिंदू लिख रहे हैं या सनातन धर्म लिख रहे हैं, पहले ये आप बता दीजिए इसको आईडी। मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, बताइए ये इतना धर्म का पुराना अपना दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये चीज पुराण है, वेद है, इनके बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इनका
कहा कि ये भी है तो, और कुरान जो सबसे पहले तौरे जबूर इंजील चार ये किताबी आसमानी आई है, हम लोग भी उनकी मतलब जो है वेदों का पुराणों का और उसका जो मानते हैं कि हाँ इनके भी है। लेकिन ये इनका ये क्या कथन कहने का है कि हम पुराने हैं, हम वो हैं, हम तो कहते हैं मैं तो आदम अलैहि सलाम से आया हूँ, आदम इज़ द फर्स्ट मतलब जो है प्रोफेट आए हैं दुनिया के अंदर, मैं उनसे पैदा हूँ। नहीं ये बताइए ना, जो विवेक जी पूछे थे आपसे ज्ञान व्यापी से आप लोगों का क्या मतलब है, क्या ताल्लुक है इसके बारे में? उन्होंने ये कहा कि ज्ञान व्यापी, आप ये बताइए कि कोई आदमी नाम उसका कैसे रख लेता है या क्या रख लेता है, इसकी कोई हमारे ऊपर या आपके ऊपर, कुछ लोग हमारे जो मुस्लिम है या कम्युनिटी में है वो लोग नाम बबलू भी रख लेते हैं और कुछ मिलते हैं तो बुद्धू भी रख लेते हैं, आप में भी होते हैं नाम बुद्धू बब्बू बबलू रख लेते हैं, तो इससे ये कोई नाम नहीं होते कि ज्ञान व्यापी। ज्ञान का मतलब होता है कि किसी चीज को जानना या उसके बारे में उसको नॉलेज होना, उसको कहते हैं ज्ञान। यापी का मतलब क्या है कि यापी का इनसे पूछ लीजिए, यापी को क्या कहते हैं? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब ले लूँ विवेक जी से। हाँ विवेक, विवेक जी पूछिए। विवेक जी, जी जी, क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि नाम तो कई सारे कहीं पे भी रखे जा सकते हैं, नाम को लेकर के क्यों चर्चा कर रहे हैं? देखिए पुराणों में इसका उल्लेख है कि जब धरती पे गंगा का अवतरण नहीं हुआ था तो भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से वहाँ पे जल प्रकट किया था और उसी स्थान से ये झरना निकला और उस स्थान को व्यापी मतलब कुंड होता है, ज्ञान का तालाब कहा गया है और वहाँ पे माता पार्वती को भगवान शिव ने ज्ञान दिया है। ये सारी चीज़ें पुराणों में कथानक वर्णित है और इस तरह का ऐसा कोई उल्लेख इनके यहाँ नहीं पाएंगे। जो बार बार ज्ञान व्यापी कह रहे हैं तो ज्ञान व्यापी का संपूर्ण होता है ज्ञान का तालाब। काशी की छह व्यापियों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। अगर मैं छह व्यापियों को मुझे समय दो तो मैं सारा विस्तृत रूप से बता दूँगा आपको। पहली व्यापी ज्येष्ठा व्यापी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काशीपुरा में थी, अवलुप्त हो गई। दूसरी व्यापी ज्ञान व्यापी जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में है। तीसरी व्यापी कंकोलटक व्यापी जो नाग कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी व्यापी भद्र व्यापी जो भद्रकूप मोहल्ले में है। पांचवी व्यापी शंखचूड़ा व्यापी लुप्त हो गई। छठी व्यापी सिद्ध व्यापी जो बाबू बाजार में और अवलुप्त हो गई है। 18 पुराणों में से एक लुंग पुराण में कहा गया है देवस दक्षिणी भागे वापी तिष्ठत शोभना तस्यात वोदकम पित्वा पुनर्जन्मना विदते। इसका अर्थ प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में कहा गया उपास्य संध्याम ज्ञानोदय उत्पातम कालम लोपजम क्षणेन तद पाकृत्य अज्ञानवान जायते नरा। अर्थात इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है, इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है, पाप से मुक्ति मिलती है। ठीक है, ये सब तमाम जो श्लोक है ये स्कंद पुराण और तमाम पुराणों से ये वर्णित है। नितिन जी एक क्वेश्चन है हमारा इसी पे। हाँ नितिन जी से ये पूछ लीजिए इनके क्या कुंड है इंडिया के अंदर, क्या कुंड है ये कुंडों के बता दे कहाँ पे है, चार कुंड का नाम बता दे कहाँ कहाँ है चार कुंड, विवेक जी से पूछना चाहता हूँ। चार कुंड है, चार वो कह रहे कुंडों के नाम बता दीजिए कहाँ है, कौन से कुंड के बारे में भी नहीं समझ पाया। ये इनके जो महाकुंड हैं जहाँ पे इनका बहुत बड़ा मतलब जैसे अभी कुंड का भी जो कह रहे हैं ज्ञापी वाला जो कह रहे हैं जो कुंड होता है उसकी बात कर रहा हूँ। इनके चार कुंड हैं, मैं अभी इसलिए बात नहीं खोलना चाहता हूँ कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वो चार कुंड जो इनके बहुत धर्म स्थल है वो चार कुंडों के नाम बता दें खाली। क्या कुंड, कौन सा कुंड जानना चाहते, तीर्थ स्थान जानना चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं? हाँ आप चारों कुंडों के नाम बता दीजिए, चारों कुंडों में कहाँ कहाँ पे मतलब आपका वो होता है मेला लगता है। क्या पूछ रहे हैं? नहीं आपका सवाल ही नहीं समझ आ रहा, आप पूछना क्या चाहते हैं? मेला लगता है कुछ समझ नहीं आया मेरा, ये कहने मतलब है एक तो कुंड वही है जहाँ आप वजू कर रहे हैं, पहला कुंड जाने जैसे हमारे वहाँ। देखिए त्रिपाठी जी बता रहे हैं कुछ, त्रिपाठी जी बता रहे हैं, सुन लीजिए मतलब की बात, विषय कुछ और है, विषय कुछ और है, आप कुछ और पूछ रहे हैं, सवाल जवाब नहीं चल रहा भाई, समय है इतना। यापी मंदिर के ऊपर जो इन्होंने कहा था उसके ऊपर हम साथ ही हुए हैं, काम हम जा रहे हैं, विवेक बहुत ज्यादा है, ये लोग सब चीज को करते हैं। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। मैमिसाड़ में कुंड है, सब लोग वही जाते हैं अपने लिए लेकर नहाने के लिए, कहाँ कहाँ कुंड के लिए बात हो आपसे? नहीं यार कुंड पे गिनती थोड़ी ना हो रही ना, कुंड के बारे में हम लोग बताने और पूछने बैठे हुए, फिलहाल मैं आऊंगा आपके पास। शेख ताहिर भाई क्या कहना आपको, आपको जवाब मिल गए होंगे, विवेक भाई से आपको जवाब मिल गए होंगे मुझे लगता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से आज देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है
कि जितने भी मुसलमानों की खास करके नामी ग्रामी इबादत गाहें हैं उनको टारगेट करके उन पर एक पिटीशन दाखिल कराई जाती है जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से शामिल है। देखिए ये नैरेटिव ये सेट करना चाहते हैं कि बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यकों को डरा करके ही इस देश के अंदर रहेगा। कौन डरा रहा है भाई आप लोगों को? आप लोग किस तरह की बात करते हैं? सिंपल सी बात है, यह डराने की ही बात है कि अगर इबादत गाहों पर इस तरीके से पिटीशन, आप ये बताइए सन 1937 में जो है दीन मोहम्मद ने एक बनारस कोर्ट में केस जो चला उसमें जो है वक्फ बोर्ड को उसको जगह दे दी गई कि ये मस्जिद की जगह, ये वक्फ की जगह है, बाकी जगह दूसरे पक्ष को दे दी गई, क्लियर कर दिया गया। और 1937 से 1942 के बीच में कोई कनेक्शन जो है नहीं था कि शिवलिंग था कि नहीं था, ये सब चीजें नहीं आई। लेकिन 1942 से 2022 के बीच में ये कौन सा ऐसा चीजें पैदा हो गई कि वहां पर जो है शिवलिंग का विषय पैदा हो गया? उसकी पीआईएल तो कई बार पढ़ चुकी, उसकी पीआईएल पहले भी कई बार पढ़ी, पीआईएल पड़ी, पीआईएल खारिज भी हुई, पीआईएल चली भी, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उसमें ये भी तो क्लियर कर दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये वक्फ बोर्ड का इतना पार्ट ऑफ वक्फ बोर्ड। लेकिन अब आप ये बताइए एक नई चीज पैदा करना, जबकि 1991 में जो है जो एक्ट तैयार हुआ उसमें साफ कह दिया गया 1947 के बाद जो जैसे है एज इट इज है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बाबरी मस्जिद के स्थान छोड़ा गया है, अफसोस की, अरे भाई के भी स्थान आप पूरा पढ़ लीजिए जो 100 वर्ष से ऊपर है आप उनको एक्ट लागू नहीं होता है, उसमें अनुच्छेद दो को भी पढ़ लीजिए भाई, थोड़ा सा उसको और क्लियर हो जाए, गौरी के वर्ष में एक पूजा हो रही है भाई, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए सदन में भी कोई चीज एक पास हो गई, उसके बावजूद भी नए तरीके से नए सिरे से फिर इस पे बहस छेड़ना, देखिए देश के अंदर देश के अंदर जो है पेट्रोल की कमी है, देश के अंदर महंगाई है, मैं महंगाई और बाकी चीजों में भी एक दो दिन में डिबेट करूंगा, फिलहाल अभी जिस मुद्दे पर कर रहे हैं उस पर लोग काम, एक मिनट भाई, क्योंकि इनके पास कोई जो है काम की बात नहीं है, रोजगार दिया नहीं तो महंगाई है। तो अब आप ये बताइए धर्म की चाशनी पिला करके इस देश को सिर्फ नफरत की आग, धर्म की चाशनी अकेले बीजेपी थोड़ी ना पिला रही, सब लोग उसमें थोड़ा थोड़ा सब लोग मिला रहे हैं। आज अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो ये बताइए कि आपको बताया कि पीपल के पेड़ पर देवताओं का वास होता नहीं, आप रोजगार के लिए बोल रहे हो और ताहिर भाई आप बाकी चीजों के लिए बोल रहे हो, मुझे आप बताओ ना कि आप लोग कितनी बार सड़क पर उतर गए सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। सड़क सबसे ज्यादा सड़क पर अगर चाहे वो आजम खान का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे कोरोना काल में जो फीस ली जा रही थी स्कूलों में, सबसे ज्यादा नागरिक एकता पार्टी सड़कों कहां पे, कौन सी सड़क पर उतरे भाई आप लोग? ले रजी हसन खुद असर है, रजी हसन खुद असर है, बताइए समाजवादी पार्टी खुद हंस रही है आपके इस बयान पे। अरे समाजवादी पार्टी क्या हंसेगी, क्योंकि उनको तो खुद ही नहीं मालूम है कि वो सड़क पे आए कब थे। आप आजम खान के लिए उतर रहे हो, वो खुद हंस रहे हैं उस चीज को लेकर के, बताओ। अब आजम खान के लिए अगर उतरे, वो करताल हुई और उसपे गिरफ्तारियां हुई, तो आप ये बताइए कि ये हंसने की बात कर रहे हैं, ये बताइए ये क्या झूठ है? आपके चैनल पे खबर चली थी, न्यूज थी, तो ये सब झूठ है? अब ये सब इस सब चीजों पे नहीं जाते, संघर्ष के मामले में 16 मुकदमे सरकार ने हमारे ऊपर डाले, मतलब आप आतंकवाद करते हैं। चलिए फिलहाल आजम खान पे चर्चा नहीं है, आजम खान पे चर्चा नहीं है, नहीं नहीं आजम खान पे चर्चा नहीं है। अरे भैया मैं आजम खान पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, थैंक यू, मैं आजम खान पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं रजिया सर मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए प्लीज, अपनी भाषा का मर्यादा में रहिए, आजम खान कैसे आतंकवादी हो गए जिन्होंने कैंसर के इंस्टीट्यूट बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाई, जो हर विश्वविद्यालय बनाया, आप ऐसी मानसिकता आदमी को
अभी एक महोदय ने कहा कि आप बार बार सनातन की बात करते हैं और जब कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कोई चीज लिखना होता है तो आप वहां हिंदू लिखते हैं। हिंदू सनातन धर्म की ही एक विचारधारा है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है जो इस देश में पैदा हुआ है, जिनकी वंशावली यहां है। आपने हमारे वंशावली पर प्रश्न उठाया तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां वंशावली मनु शत्रुपा और मनु के पुत्र, उनके पुत्र और हम लोग तक है। जिस आदम और हव्वा की बात आप करते हैं, हमने देखा नहीं, आपके कहने पर मानते हैं, लेकिन उनकी वंशावली क्या है? आदम और हव्वा से जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम आपको मालूम है? नहीं मालूम है। मालूम है, बताएं बताएं बताएं। आपसे सात पुष्ट पूछूंगा, उनके सात पुष्ट पूरी डिटेल आपको बता दूंगा जी। बता आदिल और काबिल जी, आदिल और काबिल दो उनके बेटे थे। अच्छा, आप अपने तीन पुस्तक पूछ रहे हैं? एक मिनट हो जाएगा, उनको सुनिए तो। उनके अपने तीन पुस्तक आप सुनिए। हिंदू वंशावली में देखिए, मैं आपसे बताऊं, सनातन व्यवस्था में आप भी आते हैं। क्यों आते हैं मैं आपको बता दूं। हमारे यहां साकार और निराकार दोनों ब्रह्म की पूजा होती है और सनातन काल से होती चली आ रही है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, भगवान राम ने भगवान शिव को स्थापित किया रामेश्वरम, ठीक है, उस कालखंड में भी भगवान शिव पूजे जाते थे और आज तक पूजे जा रहे हैं। इसी तरीके से भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान परशुराम और तमाम देव जो इस धरती पर आए हैं वो पूजे जाते हैं। एकमात्र कृष्ण ही ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। दूसरा कोई इस धरती पर नहीं आया जो ये कहे कि हम परम ब्रह्म हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से इस बात को जान लेना चाहिए कि सनातन व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था में हम सभी आते हैं और सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार कार्य करते हैं। नेता और जनता के बीच में संविधान है इस देश में और संविधान अपना कार्य कर रहा है। ज्ञानवापी के विषय में जिला न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं हुए तो कहां गए? आप सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश का एक नागरिक संतुष्ट नहीं हो रहा है तो इसकी बात सुनने के लिए हम जिला न्यायालय से कहते हैं कि आप वहां सुनवाई मत कीजिए, हम यहां सुनवाई कर ली। क्यों? कि आपको लगा कि मेरे साथ यहां अन्याय हो जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए। हमारा देश संविधान से चलता है और देश में लॉ एंड ऑर्डर है। जो कुछ लोगों ने कहा कि इसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी तो यहां एक राष्ट्रवादी सरकार भी रहती है जो व्यवस्था ठीक से कर देगी। एक बार निकल के आओ रोड पर, अभी रोड कार सड़क पे आते हैं, जरा इस मैटर पर आइए सड़क पर। ठीक 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 ठीक, तो विषय पर रहिए और संविधान पर रहिए। यह देश संविधान से चलेगा और चलता रहेगा। न्यायालय की शरण में आप भी गए हैं, दोनों पक्ष गया है और जो निर्णय आएगा हम दोनों मानेंगे और यहां अमन चैन से रहेंगे। ठीक, हाँ रजिया सर क्या कहना चाहते हैं?
धन्यवाद बोलने का मौका दे दिया त्रिपाठी जी ने, कह दिया आप बाहर निकलोगे तो ठीक नहीं, नहीं, नहीं। त्रिपाठी जी ने जो कहा वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विवेक जी से कनेक्ट है मामला। कैसे कनेक्ट है भाई? हम मैं बता रहा हूँ ना, देश में दोनों धर्म के लोग, दोनों धर्म के नहीं, देश में अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और कुछ बहुसंख्यक हैं और कुछ उनसे कम हैं, सभी लोग रहते हैं। देश पर संविधान, देश के संविधान पर सबका भरोसा है, सबका विश्वास है, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग इस देश के संविधान को मानते हैं। और भाई साहब ने अभी एक बात कह दी कि संविधान के बाद एक राष्ट्रवाद वाली ऐसे लोग भी हैं जो रोड पर निकलोगे और ठीक कर देंगे। अरे उन्हें आप राष्ट्रवादी कहते हैं जो देश के संविधान को नहीं मानते? आपने अभी कह दिया विवेक जी ने, इन्हीं से बात, इन्हीं की बातों से कनेक्ट मतलब जोड़ते हुए विवेक जी की बात कह, आजम खान साहब को आतंकवादी कह दिया, देश, आप आजम खान देश, नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? देश के नागरिक व्यापी पे रही है, देश के नागरिक आजम खान साहब, देश को आगे बढ़ाने के लिए आजम खान साहब देश को आगे और ले जाने के लिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिएगा मैं शांत हो जाऊं, ठीक है? उन्हें आतंकवादी कहते हैं, जल्दी से आप संविधान को मानते हैं? पूरी कीजिए जल्दी से, जिनकी इन्होंने बात की, विकास भाई भी बैठे हैं काफी देर से, नहीं नहीं विकास भाई को भी सुना जाएगा, खूब आराम से सुनेंगे। सेना की ट्रकों पे आजम खान ने पत्थर फेंका कि नहीं फेंका, आप ये बता दीजिए क्या संविधान को मानते हैं? आप बताइए, आप कहां संविधान, संविधान से छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं ट्रकों पे आजम खान ने पत्थर फेंका कि नहीं फेंका करने वाले और विश्वविद्यालय आजम खान के बाप के पैसे से बना है, करने वाले लोग हैं के उसूली के पैसे से बना है, लूट के पैसे से बना है, तो आज अजय मिश्रा जबरन कब्जा की गई नहीं की गई? आज आपने तो ये भी नहीं बनाया, आपने तो चोरी करके पैसा विदेशों में पहुंचा दिया, आपने बताइए आपने मेडिकल कॉलेज कहां बनाया? आपने बनाया, आपने कहां बनाया? अभी हमारे एंकर साहब ने क्लिपिंग दिखाई थी, उसमें एक सांसद महोदय आपके कह रहे थे कि
कुर्बानी का माहौल आ जाएगा। उससे पहले वो ओवैसी साहब कह चुके थे कि ये मस्जिद एक चली गई दूसरी जाने नहीं देंगे। तो ये धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, माहौल आपकी तरफ से खराब किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अल्पसंख्यक हो चाहे आप बहुसंख्यक जो भी आप लोग गिनते हो, लेकिन आप सनातन लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो आपकी तरफ से हो रहा, हम तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से न्यायालय के द्वारा अपना हक मांगना चाह रहे हैं। तो इसमें हम कहां आपको डरा रहे हैं और कहां हम आपको धमका रहे हैं। ठीक है, नईम सिद्दीकी कुछ कहना है आपको, नहीं तो मैं ताहिर भाई के पास चलूं। जी जी जी, पहले ताहिर भाई को सुन लेते हैं। ताहिर भाई अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। गजेंद्र भाई ने अभी एक बात कही कि राष्ट्रवाद एक सरकार है वो वरना ठीक कर देगी, ये धमकी है। इसी बात का राष्ट्रवादी की सरकार धमकी हो जाएगी, मतलब राष्ट्रवादी सरकार की बात हो जाएगी तो धमकी हो जाएगी। सुनिए, तो आतंकवादी सरकार कही जाएगी, सरकार है भारतीय संविधान की सरकार और संविधान से ही राष्ट्रवाद से क्या संविधान से क्या दिक्कत है राष्ट्रवाद से? और आप संविधान से क्या परेशानी महोदय आपको? संविधान राष्ट्रवाद से क्या परेशानी है बताइए? संविधान के प्रतियां में से सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं बाहर जलाई जाती है, सभी लोग संविधान राष्ट्र पर संविधान के प्रतियां संसद के बाहर जलाई जाती है। तो आप तो राष्ट्रवाद की बात मत करिए गजेंद्र भाई, आपके आरएसएस के जो है शाखाओं में तिरंगा लहराया नहीं जाता, आप राष्ट्रगान आपके यहाँ पढ़ा नहीं जाता, अंग्रेजों की मुखबरी आपके यहाँ हुई, दिक्कत यहाँ से है। आप इस बात की धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। अरे हम लोगों तो रोड पर निकले हैं और निकलेंगे, संविधान के दायरे में निकलेंगे, इस भारत के कानून के दायरे में निकलेंगे। लोकतंत्र ने हमें ये अधिकार दे रखा है कि हम अपनी बात को कहें। हम जो है हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम कानून का सम्मान के साथ साथ अदालत का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन जो है कोई अगर धमकी दे तो एक्शन का रिएक्शन भी, जैसे योगी जी ने कहा था कभी कभी एक्शन का रिएक्शन भी होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी जो है सब बैठा रहेगा। अब तब तक आप जो है हमारे सब्र का इम्तिहान लेंगे, हम हर बात पर सब्र करते जा रहे हैं और संविधान के दायरे में देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमें लोकतंत्र के सम्मान की बात कर रहा है। अपनी बात को कहिए और किसी भी आदेश से आप सहमत और सहमत हो सकते हैं। तो गजेंद्र भाई ऐसे ही चार लोग धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग धमकी देने की जरूरत नहीं है, आज रोड में आएंगे तो क्या दशा होगी, धमकी देने की जरूरत नहीं है। आप ये धमकी दे रहे हैं जिस तरीके से हमारे घर गिर गया तो बगल में बैठा ले, हम लोग डरने वाले ऐसे लोग नहीं है। भारतीय संविधान की सख्त करता है, भारतीय संविधान से डरते हैं, भारत के कानून से डरते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से नहीं डरते। ठीक है, प्लीज मुझे लगता है कि हमारा देश जो है भारत वो कहीं गलत दिशा में जा रहा है। सावरकर क्यों लगता है आपको ऐसा भाई? पंडित दीनदयाल और श्यामा मुखर्जी सब उनकी कथनियों के ऊपर चल रहा है। हमारा देश मैं तो कहता हूँ होटल जी के कहने पे चलता, लेकिन ये दुर्भाग्य इस राष्ट्र का कि आप जैसे लोग को सुना जा रहा है, जो चला रही है पंडित दीनदयाल पे बात होने लगी, अंधोदय के बाद जो आदमी करता था अपने समाज के सबसे अंतिम लेकर के व्यक्ति के बात के लिए जो आदमी जीता था उसके ऊपर लेकर पूछने लिया कभी दीनदयाल को? अरे गजेंद्र पंडित दीनदयाल को कभी आपने पढ़ा है? अरे उनका भाई है, उनके नाम पर भी चेंज हो जाएगा। पंडित दीनदयाल की बात हो रही है, लोग तो सभी नाम चेंज कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल का नाम लेकर बात कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी को एक बात बताइए, पर आप चौधरी चरण सिंह के नाम से एयरपोर्ट था, आपने अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कर दिया। चलिए ठीक है, अब अटल जी का समर्थन वो करे, चौधरी जी का आप करें। आप बताइए, आप नाम बदलने वालों का साथ दे रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ये कह रहा हूँ दीनदयाल साहब के नाम से आप छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, चंद्रशेखर जी के नाम से छुट्टियां दीनदयाल से कर दी गई, भगवान परशुराम के नाम से छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, भगवान परशुराम भगवान परशुराम अगर उससे आपको दिक्कत है तो आप वो बताइए। नाम कोई बदला तो जा नहीं रहा है, नाम को पुनः स्थिति पर लाया जा रहा है जो पहले नाम से बोला जा रहा है। पहले अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाए और फिर इस तरीके की बात करें कि किसी नाम को बदला जा रहा है और सरकार पे आक्षेप लगाए। और रही बात कानून तोड़ने की, तो सपा सरकार में भी बहुत कानून टूटे सर, ठीक है ना? यातायात पुलिस को घूंघट पे ढाक फैलाते थे, आप किस कानून की फॉलो करने की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, लोगों ने भी आपकी सरकार है, आपकी समय कम है, ठीक है, समय कम है मेरे पास, ठीक है, ठीक है, प्लीज 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 त्रिपाठी जी, कभी आपको लेकर नरेंद्र मोदी से दिक्कत हो जाएगी तो कभी आपको योगी जी से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समय कम, समय कम, समय कम, ठीक है, संविधान से खिलवाड़ करेगा जो नहीं रहेगा, जो देश में अराजकता फैलाएगा, जो देश के गरीब।
डिसाइड करोगे कि कौन अराजकता फैला रहा है? उसके खिलाफ हम हैं, हमेशा रहेंगे। यही बात करते हैं, जो देश के साथ, देश के नौजवान के साथ, संविधान के साथ, सुरक्षा के लिए इनके नेता ने, ठीक है प्लीज, ठीक है, थैंक यू, समय कम है, ठीक है, समय कम है, प्लीज, ठीक है, हो गया रजी, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के राजनीति भी काफी गर्माई हुई है और लगातार इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सौहार्द बिगड़ने की भी काफी कोशिश और प्रयास हो सकते हैं। फिलहाल हमें और आपको चौकन्ना रहना है, हमें और आपको शांति बनाए रखनी है और कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना है कि कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।